तीसरी ज्यामिति क्या है? पांच राज्यों में हिंसा भड़क गई, छह सेना की टुकड़ियां बहाल कर दी गई, पूरे देश से जो है पैरामिलिट्री फोर्स मंगाया गया, पुलिस लाइन के अंदर जितने रिजर्व फोर्सेस थे सबको बहाल किया गया, रैंक बहाल किया गया, फिर भी रिपोर्ट ये कहती है पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आखिर पुलिस को फोर्स से इस्तेमाल करने का मॉरल राइट, जिसको कहते हैं हिम्मत, वो कहां से मिलती है? वो मिलती है राजनीतिक इच्छा शक्ति से, वो मिलती है इस देश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे। इसीलिए आप पुलिस को दोष मत दीजिए, आप प्रशासन को दोष मत दीजिए, उल्टे आप उनको धन्यवाद कहिए। इसीलिए धन्यवाद कहिए कि उनका जो सहयोग है वो सहयोग करने के लिए वो विवश है, क्योंकि वो सहयोग इसलिए करते हैं तो इस देश के संविधान का कसम खाए हैं। उस देश के अंदर वो सबसे पहले उत्तरदायी है, इस देश के संविधान के प्रति, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। इसलिए तमाम दबावों के बावजूद आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, अगर इनका चलता तो ये कार्यक्रम भी नहीं होता। इसीलिए आप पुलिस को समझिए, लोकतंत्र की व्यवस्था को समझिए। हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस बात को समझने की जरूरत है, पुलिस को सहयोग करने की जरूरत है, पुलिस से भी बात करने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचे लोगों की जो मजबूरी है उसको समझने की जरूरत है और उनको ये बताने की जरूरत है कि जिस तरह से आपने संविधान के प्रति कसम खाया है और आप संविधान के लिए उत्तरदायी हैं, उसी तरीके से हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं और जो भी इस देश के संविधान को तोड़ेगा उसके खिलाफ हम मिल करके लड़ाई करेंगे। ये बात मुझे समझनी चाहिए और ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि पूरे पांच राज्यों में हिंसा हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। पुलिस चाहती तो पुलिस दो मिनट में जो है उस भीड़ को तितर-बितर कर देती, लेकिन पुलिस तितर-बितर कैसे करेगी जब उस राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कई बार मेरे मुंह में खट्टर की जगह कट्टर आ जाता है और मुझे लगता है हरियाणा में खट्टर सरकार नहीं कट्टर सरकार है। ये जो खट्टर साहब है इनका फोटो आया इसके साथ बाबा राम रहीम के साथ जो है क्या कहते हैं मुंह पे बाबा चढ़ा दिया गया है। सुबह शाम योगा के नाम पे जो फेस वॉश बेचता है उसको लेकिन मुंह पे बाबा चढ़ा दिया गया है। तो राम रहीम के साथ उनका फोटो आता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा का फोटो आता है, जितना नेता है और जितना नेता होने की आकांक्षा रखता है सबका फोटो बाबा के पास है। और बाबा के पास फोटो क्यों आता है? क्योंकि बाबा के पास जनता आती है शांति ढूंढने के लिए और बाबा उसका वोट का व्यापार कर लेते हैं राजनीतिक पार्टी। जनता जाती है आध्यात्म के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए और बाबा क्या करते हैं उसको सेट कर देते हैं कुर्सी के लिए, वोट के लिए, धंधा के लिए, टीवी के लिए, सिनेमा के लिए उसको सेट कर देते हैं। ये जो पूरी की पूरी परंपरा चली है और एक बाबा नहीं है, एक बार जान लीजिए एक बाबा इस देश में नहीं है, कितने बाबा हैं और सिर्फ बाबा नहीं है, मौलाना भी है, सिर्फ बाबा नहीं है मौलाना भी है और अलग अलग धर्म के अलग अलग ठेकेदार हैं। सब लोग जो धर्म को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं, जो गुरु नानक को मानते हैं या ईसा मसीह को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी धर्म को नहीं मानते, उनको एक बात बैठ करके सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमको बनाया है तो बीच में कमीशन एजेंट का क्या जरूरत है? तो हमको बाबा क्यों चाहिए? यत्र विष्णु तत्र विष्णु, कंकण में राम है, जब कंकण में राम है तो राम के बनाए इंसान की ही पूजा कर लो, अपने आप राम के पास पहुंच जाओगे। ये जो रियलिटी है इस रियलिटी की को इस देश की जनता को समझना होगा और इस देश की जनता के साथ साथ इस देश की मीडिया को भी समझना होगा। आज देखिए यहाँ मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में हमेशा बोलता हूँ कि मीडिया के अंदर जो शोषण है
उस सोशल को हमको समझना होगा और मीडिया का क्या इथिक्स है उसको हमको समझते हुए लोगों को समझाना होगा। इस पूरे प्रकरण में जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है, एक तो वो साध्वी, वो कोई साधारण महिला नहीं है, ये मत समझिएगा। लोग तुरंत धर्म का कार्ड खेल देते हैं, साक्षी महाराज ने धर्म का कार्ड खेल लिया और साक्षी महाराज ने कहा कि अगर मौलाना होते राम रहीम, देखिए राम भी नाम है और रहीम भी नाम है, फिर भी वो धर्म का कार्ड खेल दिए और बोले कि अगर मौलाना होते तो इस देश की पुलिस कार्रवाई नहीं करती और इस देश की अदालत कार्रवाई नहीं करती। और उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, एक महिला ने नहीं, उनके डेरा में रहने वाली एक साध्वी ने आरोप लगाया है। कोई साधारण महिला नहीं है, कोई उसमें राजनीतिक बैर नहीं है। अब बाबा जी के धंधा को लेकर भी लड़ाई होता है, इधर आजकल जो है वो एक बापू जी और दूसरे लाला जी दोनों लड़ रहे हैं अपने अपने धंधा को लेकर, तो बाबा के बीच में भी लड़ाई का सवाल नहीं है। बात यह है कि एक साध्वी ने आरोप लगाया और एक गुमनाम चिट्ठी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिखा गया और उस चिट्ठी को मैं मीडिया की बात कर रहा था, एक बड़े निर्भीक पत्रकार हैं सिरसा के जिनका नाम था रामचंद्र छत्रपति और उनके साथ हमारा संबंध ये है कि जब मैं 2015 में JNU का प्रेसिडेंट बना था तो उनकी याद में एक सेमिनार कराया जाता है और प्रत्येक वर्ष किसी एक व्यक्ति को चुन करके रामचंद्र छत्रपति के नव के याद में उसको सम्मानित किया जाता है साहसिक व्यक्ति के तौर पे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो सम्मान 2015 को मुझे मिला था और मुझे सम्मानित किया गया। और उसी रामचंद्र छत्रपति ने उस गुमनाम चिट्ठी को अपना रीजनल अखबार पूरा सच उसमें छापा और तब जाकर के वो एक मुद्दा बना। और जब वो मुद्दा बना, मुद्दा बनने के बाद उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और उनका बेटा अंशु छत्रपति, उससे मेरी मुलाकात है क्योंकि वही फोन करके मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया था, मैं सिरसा गया था और हमारे साथ अभय दुबे जो CSDS के बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, अक्सर उनको आप टीवी पे सुनते होंगे बोलते हुए, वो भी मेरे साथ स्पीकर थे। तो उन्होंने पूरी डिटेल बताई और राम रहीम अपने पैसे के बदौलत, राजेंद्र चीमा नाम के एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, उनको खरीदने के लिए गया और राजेंद्र चीमा ने कहा मैं तो दूसरी पार्टी का वकील हूँ। तो राम रहीम के वकील ने कहा कि आप दूसरी पार्टी के वकील कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र छत्रपति हमारे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि राजेंद्र चीमा पैसा के लिए तो बहुत केस लड़े हो, सच के लिए केस जरूर लड़ो। और उनके साथ जो सहयोग कर रहे हैं वो थे राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिनकी रिपोर्ट आई है इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के हालात के ऊपर, राजेंद्र सच्चर और एक और व्यक्ति है उनके साथ जिनसे हमारा संबंध है, जिससे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का संबंध है, अश्वनी बख्शी का, जिनके पिताजी सिरसा के बहुत बड़े किसान नेता थे, किसानों के आंदोलन को लीड किया था, उनका बेटा आज हाईकोर्ट में वकील है, अश्वनी बख्शी जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का लीडर था वो उस केस का वकील है। और उसी केस की बदौलत, उसी लड़ाई के बदौलत, जब मजबूर होकर के सरकार को यह जांच CBI को सौंपनी पड़ी और CBI के जांच में यह बात आया कि वो आदमी अपनी साध्वियों के साथ यौन शोषण करता है, उसके साथ बलात्कार होते हैं, वहाँ पे गोरख धंधे किए जाते हैं, वहाँ माफियागिरी किया जाता है, वहाँ राजनीतिक सेटिंग की जाती है, नेता वहाँ बैठ करके चुनाव में उनसे समर्थन प्राप्त करते हैं और चुनाव में समर्थन देने के बदौलत खुलेआम धर्म के नाम पे पूरे राज्यों में गुंडागर्दी की जाती है, यह बात सामने आई है। और आज देखिए कि न्याय जीता है, 15 सालों के बाद जीता है, लेकिन आपको राजनीतिक विफलता साफ साफ दिखाई देगी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल बैंक्रप्सी आपको दिखाई देगा। मैं 3 फैसला का आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ। पहला फैसला आया कुछ दिन पहले 3 तलाक के ऊपर और 9 जजों की पीठ ने कहा कि 3 तलाक में जो तुरंत 3 तलाक दिया जाता है, जिसको कहते हैं इंस्टेंट 3 तलाक, ट्रिपल तलाक को इलीगल माना गया और कहा गया कि सरकार इस पर कानून बनाया।
देश भर के नेता तुरंत अपना पीठ थपथपाना शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि जज ने निर्णय नहीं दिया है, खुद प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल ने बैठ करके निर्णय दिया है। इस तरीके से पूरा देश मोदी मोदी करने लगा। उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों ने इस पर तुरंत अपना बधाई संदेशा दे दिया। दूसरा निर्णय आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, आपका खाते हुए नहाते हुए अपनी पत्नी से बतियाते हुए जो आपका प्राइवेट डाटा है उस प्राइवेट डेटा को कभी भी पब्लिक नहीं किया जा सकता है। सरकार आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि आपसे आपका निजी डेटा मांगे। इसको फंडामेंटल राइट जो है कोर्ट ने माना, तब जाकर के बधाई देने वालों की संख्या आधी हो गई। अब सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो बधाई नहीं दे रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो खूब बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। और कांग्रेस ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है, हमने नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां व्यक्तिगत आजादी को एक नया बल मिलेगा इस निर्णय के बाद। फिर तीसरा फैसला आता है जिसमें राम रहीम को बलात्कार का दोषी माना जाता है। न पक्ष जो है ट्वीट कर रहा है, न पक्ष जो है उन दो साथियों को बधाई दे रहा है, न जो है उस स्वागत का फैसला कर रहा है, न विपक्ष जो है उस पर बधाई संदेश दे रहा है और उन साथियों को बधाई दे रहा है। इस तीन निर्णय को आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको इस देश के अंदर लोकतंत्र, न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस शासन और प्रशासन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुल मिलाकर के वोट बैंक के चलते आज लोग सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर लॉन्ग मार्च जो हमने करके निकले हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब लोगों को डराया जा रहा है, हम निर्भीकता से खड़े होंगे, सच के पक्ष में बोलेंगे, न्याय के लिए अपनी आवाज को उत्पन्न करेंगे। और इसीलिए हमको निर्भीक पुलिस ऑफिसर की जरूरत है, हमको निर्भीक जज की जरूरत है, हमको निर्भीक पत्रकार की जरूरत है, हमको निर्भीक विद्यार्थी की जरूरत है, हमको निर्भीक दलित नेता, निर्भीक अल्पसंख्यक, निर्भीक महिला नेता, निर्भीक गरीबों का नेता, निर्भीक किसानों का नेता और निर्भीक आम जन की जरूरत है जो निर्भीकता इस देश को बचा सकती है। और आज आप देखिए यह निर्भीकता खत्म क्यों हो रही है, डर का साम्राज्य स्थापित कैसे हो रहा है, इस डर का आप अंदाजा लगा लीजिए। कहीं तो 144 लगा हुआ है, 5 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे हजारों हजार लोग इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? तो अनिल विज और रामविलास शर्मा बाबा राम रहीम के पैर में जाकर के गिर जाते हैं, उनको 50 लाख का चंदा देते हैं और कहते हैं कि सत्संग के नाम पे आप गुंडागर्दी कीजिए, पुलिस खड़ी रहेगी लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि उनका समर्थन उनको चाहिए जब हरियाणा में अगली बार चुनाव हो, जब पंजाब में अगली बार चुनाव हो, जब उस सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनाव हो, तो डेरा समर्थकों के समर्थन से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। ये जो स्थिति है जहाँ धर्म और राजनीति को मिलाया जा रहा है, उस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक बहुत पुराना विद्वान हुआ है जिसका नाम मैकियावेली था। मैकियावेली के बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जिसमें साफ साफ मैकियावेली ने कहा है कि यदि धर्म और राज सत्ता को मिलाया जाएगा तो राज सत्ता हमेशा कमजोर होगी और कमजोर राज सत्ता से मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, डरे हुए लोगों से विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। यह बात साफ साफ उन लोगों को समझनी होगी। इसीलिए आज पूरे तंत्र को लोगों के सामने गिरवी रखा जा रहा है। रामविलास शर्मा ने टीवी पे आकर के बयान दिया, जो हरियाणा के मंत्री हैं, कि हम दवाइयां पहुंचा रहे हैं, हम खाना पहुंचा रहे हैं और बंदूक लेकर के, किरोसिन तेल लेकर के, पेट्रोल लेकर के, पत्थर लेकर के लोग जमा हुए थे। वो जो आम लोग हैं जिनको सत्संग के नाम पे बुलाया गया, वो लोग जिम्मेवार नहीं है। लेकिन बाबा का जो माफियागिरी है, उनसे जिनका धंधा चलता है, उन्होंने इस पूरे के पूरे हिंसा को अंजाम दिया है। और पुलिस इसलिए मूक दर्शक बनी रही क्योंकि बाबा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये जो स्थिति देश के अंदर है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और ये वही अनिल विज हैं, जब 2000 का नोट आया था तो लोगों ने सवाल पूछा था कि गांधी जी को हटाने की तैयारी चल रही है, तो क्या कहा था अनिल विज ने? अनिल विज ने कहा था कि गांधी को इस देश की जरूरत नहीं है,
गांधी की जरूरत इस देश को क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में नाथूराम की स्थापना हो, इस देश में हिंसा की स्थापना हो, इसीलिए उनको गांधी की जरूरत नहीं है। और आज देखिए, इसीलिए हर मौके पे, चाहे वो मथुरा की घटना हो जहाँ पे बाबा को पार्क खाली कराने के लिए दर्जनों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, पुलिस वालों की हत्या हुई, चाहे संत रामपाल की बात हो, वहां पर भी पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी, 18 दिनों तक लोला संघ को कब्जा करके बैठे रहे, चाहे आज राम रहीम की बात हो। इस देश के अंदर बाबाओं का जो धंधा पीढ़ी है उसको हमको समझना पड़ेगा। आसाराम बापू आज भी जेल में बंद है, आप जंतर मंतर जाइए, जंतर मंतर पे आपको सैकड़ों लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो सरकार को गाली दे रहे हैं, जो पुलिस को गाली दे रहे हैं, जो मीडिया को गाली दे रहे हैं, जो हम जेएनयू वालों को गाली दे रहे हैं, जो न्याय के पक्ष में बोलते हैं, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर न्याय की स्थापना होनी चाहिए, पुलिस को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, पत्रकारों को ईमानदारी से पत्रकारिता करनी चाहिए, न्यायालय को न्यायाधीशों को डराने की साजिश बंद होनी चाहिए। ये डराने की साजिश है कि आप कोर्ट के सामने हजारों लोगों को जमा कर देते हैं ताकि उस निर्णय को प्रभावित किया जाए। उनको सैल्यूट करना चाहिए उस जज महोदय को जिन्होंने ये निर्णय दिया है, वो हमारे लिए हीरो है जो किसी के सामने डर नहीं रहे। उनको सैल्यूट करना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने डरा नहीं। और उस महिला के बारे में अंदाजा लगाइए कि 15 साल उसका जीवन कैसे बीता होगा। और रामचंद्र छत्रपति ने जो कुर्बानी दी, उस पत्रकार को याद कीजिए कि वो अपना जान देना पसंद किया लेकिन बेईमानों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। और अगर हम ये समझ रहे हैं तब हमको समझ में आएगा कि कौन लोग लोकतंत्र के पक्ष में है, कौन लोग संविधान के पक्ष में है, किनके साथ हम एकता स्थापित करके इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के संविधान को बचाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, इसीलिए हमने नारा दिया है सेव इंडिया चेंज इंडिया। हमको इंडिया को सेव करना है जो कम्युनल फोर्सेज हैं, जो जातिवादी फोर्सेज हैं, जो मर्दवादी फोर्सेज हैं, जो ऊंच नीच में भरोसा करते हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब महिला के ऊपर आरोप लगाते हैं पलट करके, जब महिला आरोप लगाती है उसके साथ गलत हुआ है, क्या कहना है साध्वी महाराज? कितना अजीब बात है कि इस देश का एक चुना हुआ सांसद कह रहा है कि एक महिला ने आरोप लगाया है, करोड़ों लोग उसके साथ हैं। इसका मतलब ये है कि अब देश में कानून नहीं होगा। न्यायालय क्या करेगी? लाल किला के प्राचीर से खड़ा होगी और लाल किला के प्राचीर से खड़ा होकर कहेगी कि जो आरोपी है उसके पक्ष में जो लोग हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और जो आरोपी के विपक्ष में वो एक तरफ आ जाएंगे। अब इस तरीके को निर्णय दिया जाएगा इस देश में, इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को, इस देश की मीडिया को, इस देश की पुलिस को राजनीति से क्यों अलग रखा गया, इस देश की सीमा को राजनीति से क्यों अलग रखा गया? और वो कौन लोग हैं जो मीडिया को राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, पुलिस को राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, सेना को राजनीति में लेकर के आ रहे हैं, न्यायपालिका को राजनीति में लेकर के आए हैं? तो कौन लोग हैं? वो भाजपा के लोग हैं। और इस बात का मैं उदाहरण आपको, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के का राजनीतिकरण किया गया और सेना को राजनीति के अंदर खींच करके लाया गया। जनरल बीके सिंह कौन है? जनरल बीके सिंह पूर्व सेना अध्यक्ष हैं और अभी भाजपा के मंत्री हैं। कौन उनको खींच करके सेना में लाया है? हम पूछते हैं किरण बेदी कौन है? किरण बेदी एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, देश की पहली महिला IPS हैं, बहुत पब्लिसिटी गेन किए थे इंदिरा गांधी के काफिले का कार उठा करके और आज मोदी के काफिला में शामिल हो गए। तीसरा सवाल पूछता हूँ कि सुभाष चंद्र कौन है? जी न्यूज के जी नेटवर्क के मालिक हैं, भाजपा के समर्थन से राज्यसभा के मेंबर बने हैं। कौन लेकर के आ रहा है इनको? इनको जो है इनका राजनीतिकरण कौन कर रहा है और इनका राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको बाबाओं का ही राज स्थापित करना है और ये इनकी साजिश है कि एक तरफ प्रधानमंत्री दुख जता रहे हैं। आपको अगर इतना ही दुख है प्रधानमंत्री जी, अपने खट्टर को क्यों नहीं आप बर्खास्त कर देते हैं? अपने खट्टर को आप बर्खास्त करके तब हम समझेंगे। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, तब रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाए? जब भाजपा के मंत्री मोदी जी के सेल्फी खिंचाते हैं उसी तरीके से साथ राम रहीम के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, तब आपने उनके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा? अब तब रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा जब आपके मुख्यमंत्री साहब झाड़ू देकर के स्वच्छ भारत अभियान करने के लिए निकले थे, तब आपने रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा? ये पूरा का पूरा नाटक देश के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और साक्षी महाराज खुलेआम इस देश को इस सवाल पे भी कमलाज करने की कोशिश कर रहा है और मौलाना का नाम जबरदस्ती ले रहा है। मैं कहता हूँ इत्तेफाक से अगर यदि वो मुसलमान होता
और इतनी बड़ी हिंसा होती तो आप देखिए कि टीवी स्टूडियो में बैठ करके लोग किस तरीके से चिल्ला रहे होते और किस तरीके से बात कर रहे हैं। जानबूझ कर इस मुद्दे का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी इस देश की उदारवादी जनता के सामने अपना उदार चेहरा प्रस्तुत करते हैं, जैसे रावण का कष्ट सिर होता है ना, ठीक बात है, सिर दस्त होता है, मंकी सिर दस्त थोड़ी होता है, तो दस सिर है, अलग अलग सिर अलग अलग बात बोलता है। मोदी जी के भी दस मुख होते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमको बड़ा तकलीफ है, सख्त कार्रवाई की जा रही है, और उनका ही सांसद उनके ही साथ विधान लोकसभा में बैठता है, वो कह रहा है कि बाबा के साथ बहुत गलत हुआ है, हम बाबा के पक्ष में है और हम उस महिला के पक्ष में नहीं। और महिलाओं की बात क्या करें, कि महिलाओं की बात कर भी नहीं सकते। तीन तलाक पे बहुत सर पीठ थपथपा रहे थे भाई, तीन तलाक पे पीठ थपथपा रहे हो, मैं भी आपको मुबारकबाद दे देता हूँ, हालांकि फैसला कोर्ट का था। ये बताइए कि यशोदा मैया को न्याय कब मिलेगा। शादी करके बिना तलाक दिए, बिना मेहर का रकम अदा किए आप जो छोड़ करके भाग गए, तो उसका अच्छा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डेटा का आप लोग मीडिया के लोग तफ्तीश कर लीजिएगा, अगर मैं गलत कहूंगा तो मेरे खिलाफ एक केस कर दीजिएगा। इस देश के अंदर तीन तलाक से जितने लोग पीड़ित हैं, उससे ज्यादा पीड़ित वो लोग हैं जिनका पति शादी तो करता है, लीगली उसको पत्नी स्वीकार करता है, लेकिन उसको सामाजिक रूप से पत्नी नहीं मानता, उसको अपना है। इस पर कानून कब आएगा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विकास बराला, हरियाणा भाजपा का जो अध्यक्ष है सरेआम एक लड़की को छेड़ता है, इत्तेफाक से वो लड़की भी मीडिया में नहीं थी, उसको छेड़ता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके बाद भाजपा के जो मंत्री हरियाणा के क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्या ये लड़के हैं, ये तो होता ही है, रात को बाहर क्यों निकली, क्योंकि आपको हमारा बेटा घूमता है, इस लड़कियों को घूमने की इजाजत नहीं है। ये तो स्थिति है, इसकी सोच जिसकी होगी वो कभी भी महिला के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, वो बलात्कारियों के ही पक्ष में खड़ा होगा, ये कोई नई बात नहीं है। और खुद मोहन भागवत ने जब 16 दिसंबर को निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के बाद मोहन भागवत जी का बयान था कि महिलाओं को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो आसाराम जी है आजकल जेल में है, आसाराम जी किसी पुण्य कार्य में वो भी जेल में, वो जो जेल में है उन्होंने कहा कि वो लड़की यदि उसको भैया बोल देती तो वो लड़का उसको छोड़ देता। अरे तो आपको भी दादा बोल रही होगी ना, आप क्यों नहीं छोड़ा। ये जो रियलिटी है, ये जो धर्म के नाम पे पूरे के पूरे समाज में पूरी की फैलाई जा रही है, महिलाओं के खिलाफ साजिश किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश किया जा रहा है, गरीबों के खिलाफ साजिश किया जा रहा है, जो लोग सच बोलना चाहते हैं उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है, और साजिश इतनी बड़ी है कि दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस निर्भीकता से इन दो साथियों ने राम रहीम के खिलाफ लड़ा, जिस निर्भीकता से वो जज रहे डटे रहे, जिस निर्भीकता से वो पुलिस कर्मी डटा रहा, जिस निर्भीकता के चलते छत्रपति रामचंद्र छत्रपति को अपनी जान देनी पड़ी, उसी निर्भीकता के चलते इस देश में दाभोलकर की हत्या की गई, उसी निर्भीकता के चलते पानसारे की हत्या की गई, उसी निर्भीकता के चलते कुलवर्गी की हत्या की गई। और ये जो निर्भीक लोग हैं, ये इस देश के विरासत हैं, ये इस देश की ताकत है, यही इस देश को बचा कर आज अगर देश को खतरा है तो खतरा है उस सोच से, जिस सोच के तहत पूरे के पूरे राजनीतिक व्यवस्था को आज दूषित किया जा रहा है, और धर्म और राजनीति दोनों का इस तरीके का तालमेल किया गया है जहां इंसान सही निर्णय लेने में कई बार विफल हो जाता है। और आप देखिए, आप बाबाओं का पॉलिटिक्स में होने का विरोध कर रहे हैं, अरे भाई साहब बाबा ही मुख्यमंत्री है इस देश में, योगी जी कौन है, कौन है योगी जी, बताइए योगी जी मुख्यमंत्री है ना इस देश के। और आप देखिए कि कितने मंत्री हैं जो बाबा हैं, बाबा ही बने हुए हैं। अब आप बताइए, अगर धर्म की बात करते हैं, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद वाला तुम्हारा विरोध करने के लिए आए थे, तो आओ भाई बात करो उनसे, पहले विमर्श करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म से किसको खतरा है, कौन हिंदू धर्म को खतरा पहुंचा है, पहले इसकी बात समझे, फिर हिंदू पर विश्व हिंदू परिषद का जिम्मेवारी क्या होगा। ये मुझे बताओ कि देश के संविधान में
जब यह समझदारी दिखाई गई कि राजनीति और धर्म को नहीं मिलाया जाएगा, और मैं किसी एक धर्म पे नहीं बोल रहा, मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूं, किसी भी धर्म गुरु का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। किसको वोट देना है इस देश की जनता तय करेगी और अपने मुद्दों पे वोट देगी। इस देश का जो रोजी रोटी का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, जो स्वास्थ्य का सवाल है, जो न्याय का सवाल है, जो गरीबी का सवाल है, जो किसानों की आत्महत्या का सवाल है, जो सेना आत्महत्या कर रही है उसका सवाल है, पुलिस से वोट करेगी तो अपने मिनिमम वेज के सवाल पे वोट करेगी कि हमको वर्दी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब केंद्र सरकार सेवन पे कमीशन लागू करती है तो झारखंड सरकार सेवन पे कमीशन लागू करेगी कि नहीं करेगी, इन सवालों पे वोटिंग किया जाएगा। राम को बचाने के नाम पे और अल्लाह को बचाने के नाम पे वोट नहीं किया जाएगा। और ये जो सवाल है, इस सवाल पर अगर हम विमर्श करने के लिए तैयार है तो किसको, किससे खतरा है इस देश को, इस देश की धर्म को किससे खतरा है, इस देश की जो है राजनीति को किससे खतरा है, इस बात को समझिए। धर्म के हिसाब से अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, मेरा तो नाम भी कट गया है, मेरा नाम भी मोहम्मद सालिम नहीं है, लोगों की जान बुझ करके हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना है। अरे भाई, हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के नाम पे जो तुम्हारी दुकानदारी, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में हम जानते हैं, हमारी माँ भी हिंदू है और हमारी दादी भी हिंदू है, और उसने हमको बहुत अच्छे तरीके से समाज पर समझाया है कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है। ये भगवान राम की बात करते हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, ये भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक बात। चलिए, भगवान राम ने भरत के लिए अपनी सौतेली माँ के कहने पे राजपाट छोड़ करके वनवास चले गए, और योगी जी वन में ही रहते थे, गढ़वाल के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के हैं, वन छोड़ करके लखनऊ आ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक राम थे जो राजपाट छोड़ते थे, और एक नाथूराम के चेले हैं जो राजपाट पकड़ते थे, और क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम धर्म बचाएंगे। अरे तुम क्या धर्म बचाओगे, तुमको धर्म का एबीसीडी मालूम नहीं है, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर यह बात कही गई है कि सर्वत्र जो है वो ब्रह्म व्याप्त है, सर्वत्र जो है वो विष्णु व्याप्त है, या पूरा का पूरा संसार जो है वो शिव के आशीर्वाद से गुंजार है। जब पूरा संसार शिव के आशीर्वाद से गुंजार है, कणकण में जब राम बसे हुए हैं, तो बाबरी मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर बनाने का क्या जरूरत है। और उसी तरीके से जब एक तरफ लोग धर्म बचाएंगे तो दूसरी तरफ भी धर्म बचाने के ठेकेदार खड़े हो जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश को फिर से तोड़ने की साजिश की जा रही है, इसीलिए राजनीति और धर्म को मिलाया गया है, इसीलिए जितने भी धार्मिक धंधे करने वाले लोग हैं उनको राजनीति में लाया गया है, इसीलिए जो आपका आस्था है, जो आपकी पूजा है, जो आपका अर्चना है, जो आपकी इबादत है, आज उसको राजनीतिक सवाल बनाया जा रहा है, ताकि जो आपका जसरी सवाल है, रोजी रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, मिनिमम वेज का सवाल, अस्थायी नौकरी का सवाल, रिजर्वेशन का सवाल, निष्पक्ष चुनाव का सवाल, इन सवालों को भटकाया जा सके। इसीलिए आप हमको समझिए कि देश तब टूटा था जब एक तरफ हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। तभी देश दो भागों में विभाजित हुआ, तभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। और आज फिर से वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जब एक तरफ से कोई हिंदू धर्म बचाएगा तो इस देश का 25 करोड़ मुसलमान भी हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगा। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम भी इस्लाम बचाएंगे, और उसका नतीजा क्या होता है, भीड़ द्वारा हत्या, किसी की भी हत्या, चाहे वो अखलाक की हत्या हो, पहलू खान की हत्या हो, चाहे बसीरहाट के अंदर एक जो है हिंदू व्यक्ति की हत्या को की गई उसकी हत्या हो, यह अपने आप में खतरनाक है। और आप मुझे बताइए, इस बात को सोचिए, समझिए इस बात को, मैं आपके आस्था पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, आपको जो धर्म मानना है मानिए, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आपको अपनी आस्था के हिसाब से आप अपनी धार्मिक उपासना का पूर्णतः आजादी है, यही लोकतंत्र का मतलब होता है। लेकिन आस्था के नाम पे क्या होगा, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ जब धर्म के नाम पे ठेकेदारी होगी, दूसरी तरफ अपने इतिहास के चलते है, अपनी विरासत के चलते है। और वो विरासत क्या है, वो विरासत ये है कि मोहम्मद रफी, जिसके नाम में मोहम्मद लगा हुआ है, जो मुसलमान है, वो भगवान राम के लिए गाना गाया है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की दीवार, यही हिंदुस्तान की खासियत है।
कि जब आप वो गाना सुनते होंगे मन गणपत हरि दर्शन को, आज जो हिंदुओं मंदिर हिंदू के मंदिरों में बसता है, उस गाना को गाया मुसलमान ने, लिखा मुसलमान ने, संगीत दिया है मुसलमान, और बसता है हिंदुओं के मंदिर में, ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये जो खासियत है, उस खासियत को लोग क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि इस देश का जितना भी बलात्कारी बाबा है, एक बाबा सीएम बन गया है, उसकी तरह वो भी सीएम बनना चाहता है, इसीलिए राजनीति की जा रही है। इस बात को हमको समझना होगा। इसीलिए आज एक गंभीर परिस्थिति हमारे सामने आने वाली है। गंभीर परिस्थिति क्या है कि विजयादशमी, दशहरा और मुहर्रम वो एक दिन हुआ है, और ये जो अंग्रेज के जच्चे बच्चे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली, आज जो है चाय पे बैठ करके चर्चा करते हैं, इनके पूर्वज भी अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, और अंग्रेजों से इन्होंने भूत डालो राज करो की नीति को सीखा है, उससे उन्होंने अपनाया है। और अंग्रेज क्या करते थे, एक आदमी को पकड़ते थे जो कभी टोपी लगा लेता था, कभी तिलक लगा लेता था, और चूहर का मांस मस्जिदों में और गाय का मांस मंदिरों में जाकर के फेंक देता था। और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे, और उनको लगता था कि इनको लड़ा करके हम इस देश को गुलाम बनाए रखेंगे। और वही गुलामी की परंपरा को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो नकली भीड़ हैं, माफी मांगने वाला भीड़ नहीं होता है भाई साहब, फांसी पे चढ़ने वाला भीड़ होता है। इसीलिए जो सावरकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनको कह देना चाहते हैं कि हम अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, अशफाकुल्लाह खान के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम तुम्हारी साजिश को समझते हैं, और इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे इस मुल्क में। और ये जो राजनीति है, जो अंग्रेजों से इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने सीखी है, इसको हमको परास्त करना पड़ेगा। और यह जो मुहर्रम और दशहरा एक दिन पड़ रहा है, उस दिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं आपको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर लोकतंत्र पसंद लोग हैं, आपको अगर जमहूरियत में भरोसा है, आपको अगर मन की बात नहीं जन की बात में भरोसा है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने मोहल्ले में पीस कमेटी बनाइए और जाकर के थाना प्रभारी से बात कीजिए, पुलिस प्रशासन से बात कीजिए, और कहिए कि पूरे सम्मान से माँ दुर्गा की मूर्ति भी विसर्जित होगी, देवी की भी पूजा होगी, और पूरे सम्मान से मुहर्रम का तजिया भी निकलेगा। हम नाकाम करेंगे, धर्म के नाम पे जो अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं, उसके साजिश को हम नाकाम करेंगे। और एक बात और जो मुझे इस हॉल में बार बार दिखाई दे रही है, वो ये है कि यहाँ आप देखिए कि पूरे हॉल में गिनती से 10 महिला होंगी। आप सब लोग चले आ रहे हैं कन्हैया कुमार का भाषण सुनने के लिए, और अपनी अपनी महिलाओं को घर में छोड़ दिए हैं टीवी देखने के लिए। और टीवी पे क्या होता है, टीवी पे तो फिर वही होता है जो देश के लिए सच बोलता है, उसको देशद्रोही बताया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी तमाम लड़ाइयों में, अपने तमाम संघर्षों में, अपनी जीवन की तमाम जद्दोजहद में, आप महिलाओं को बराबर इज्जत दीजिए, कि महिलाएं ही इस मुल्क को बचाएंगी। क्योंकि पुरुष जब बेहतर होता है तो उससे एक पीढ़ी सुधरती है, और महिला जब बेहतर होती है तो उससे 7 पीढ़ियां सुधरती है। जब सूचना का संकट है, सूचना का संकट इसलिए है कि सही सूचना को फैलाने से रोका जाता है, और उसी का नतीजा है कि यह हॉल में हमारी मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग करवाला मैदान में है। तो मैं उन लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ कि भाई 5 साल के लिए ही सत्ता में आए हो ना, जब रावण हमेशा नहीं रहा तो तुम हमेशा कैसे रह जाओगे? मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती की है, इसीलिए मैं बीज का महत्व समझता हूँ। आप सब लोग क्रांति बीज बन जाइए, अगली बार बोकारो की धरती पे सेक्टर 5 में मीटिंग करेंगे, खुले में मीटिंग करेंगे, खुले में देश को बचाने की चुनौती में ये बात आप लोगों को देना पड़ेगा। इसीलिए इस हॉल में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि किसी कार्यक्रम में हम आए, ताली बजाए, फोटो खींचा, उससे हमारा काम खत्म हो जाए नहीं होगा। जब चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है, मोदी जी खुद ही कह रहे हैं ना डिजिटल इंडिया, तो जब डिजिटल इंडिया है तो आपको एक ही बात नहीं समझती है मोदी जी के नुमाइंदों कि तुम अगर मीटिंग को ओपन में होने से मना कर दोगे तो लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगा, अपनी बीवी को सुना देगा, अपने बच्चे को दिखा देगा, एक प्रोजेक्टर लगा करके मोहल्ले मोहल्ले में भाषण करवा देगा। डिजिटल इंडिया का इम्पोर्टेंस तुम नहीं समझ पा रहे हो। डिजिटल इंडिया, व्हाट्सएप,
सच यूनिवर्सिटी सिर्फ गलत चीज फैलाने के लिए होगा क्या? सही चीज फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश फैलाने को सिर्फ देश को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देश को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश को बचाने का काम कीजिए। एक हॉल में आए, मीटिंग में बैठे, भाषण सुना, ताली बजाया, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ जो बातें हुई हैं, उस पर यदि आपकी सहमति है, जहाँ जहाँ हमारी सहमति बन रही है, उन बातों को पुकारों का घर घर लेकर के जाइए, सारे लोगों को बताइए और देश के अंदर जो समस्या हुई है उस समस्या से लोगों को रूबरू कराइए। ये जिम्मेवारी हमको अपने कंधे पे लेनी पड़ेगी। और अगर ये जिम्मेवारी हम अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार है, तब हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि देश के अंदर जो वादे किए गए थे उसकी रियलिटी क्या है। एक तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुद्दा फटकाने में माहिर। पहला साल आए तो बोले गंगा माता गंगा माता गंगा माता, दूसरा साल गाय माता, तीसरा साल अपनी माता, चौथा साल स्मृति माता सुषमा माता। चुनाव से पहले क्या कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, ऐसा लगता है कि अच्छे दिन तो मानसून हो गया है, आएगा कि नहीं आएगा फिर हो जाएगा पता ही नहीं। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, आपके लिए सबका साथ सबका विकास करेंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार रोक देंगे, काला धन वापस लाएंगे, सब भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएंगे, महिलाओं का विकास होगा, किसान की आत्महत्या रुक जाएगी, यही एजेंडा था ना। और जब जीत करके आए हैं क्या कह रहे हैं, स्किल इंडिया मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया, और आजकल बोल रहे हैं न्यू इंडिया, आजकल बोल रहे हैं न्यू इंडिया। तो ये जो न्यू इंडिया है, उस न्यू इंडिया में न्यू क्या है, जरा इसका विश्लेषण कीजिए। और विश्लेषण करने में तो आप पाएंगे 15 लाख रुपये आपके खाते में आ गया होगा शायद। अच्छा नहीं आया है, मेरे खाते में भी नहीं आया। तो 15 लाख रुपए हमारे खाते में नहीं आया, महंगाई तो कम हो गई होगी, कैसे कम नहीं हुई है, टमाटर और सेब एक ही दाम पे मिल रहा है 100 रुपए, पेट्रोल 72 रुपए लीटर। और पेट्रोल की हकीकत ये है कि लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घट रही है, लेकिन भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। और स्वच्छ तो हो गया होगा भारत एकदम चकाचक, अब जो है मतलब पुलिस वाले को एकदम 7th पे कमीशन दे दिया गया है, पूरा वेतन मिलता है, उनको सिग्नल पे खड़ा होकर के घूस लेने का जरूरत नहीं है। अब जो है बाबू साहब ऑफिस में जो है बैठ करके आपसे घूस नहीं मांगते होंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो गया है, प्राइवेट स्कूल में फीस देने में 5000 रुपया चला जाता है, बीबी का साड़ी लगातार महंगा हो गया है, लिपस्टिक का भी दाम बढ़ गया है, तो घूस तो घट गया होगा। क्या हालत है देश के अंदर, विचार कीजिएगा इस पर। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि देश के अंदर ये सेना बहुत कहते हैं ना, जनरल बीके सिंह हमारे यूनिवर्सिटी में टैंक लगवाना चाहते हैं, अरे यार टैंक उठा करके पंचकूला में लगा देते हैं, हिंसा नहीं होती, टैंक लगवाना चाहते हैं सरकार कर करें। इस देश के अंदर आंकड़ा याद रखिएगा, 310 सैनिक, इतने सैनिक दुश्मन की गोलियों से आतंकवादी की गोलियों से शहीद नहीं हुए हैं जितने सैनिक इस देश में आत्महत्या कर लेते हैं। जब उनको छुट्टी नहीं मिलती है, याद रखिएगा ये घटना होते रहती है, जब उनको छुट्टियां नहीं मिलती है तो अपने ही बंदूक से, जिस बंदूक से वो देश की सेवा कर रहे होते हैं, खुद को भी मारते हैं और अपने साथियों को भी मार देते हैं, लगातार ये घटनाएं होती है। और प्रॉब्लम क्या है कि देश के अंदर जो वायलेंस का सिचुएशन खड़ा किया गया है, हर एक ऑफिसर को जो बटालियन इंचार्ज होता है उसको ये कहा जाता है कि 90 से कम जवान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बात पे भी तो सेना भेजना पड़ता है ना, बाढ़ आ गया तब सेना जाएगी, भूकंप आ गया तब सेना जाएगी, और राम रहीम जो है सदाचार करके जेल पहुंचेंगे तब सेना जाएगी। सेना को तो इन्होंने मजाक बना दिया है देश में, जब जाट आरक्षण होगा तब सेना जाएगी, ये मजाक बना दिया है। और वो जो ड्यूटी का प्रेशर है उनके ऊपर, उसके चलते 310 सैनिक 2014 से लेकर के 2017 के बीच में आत्महत्या किए, 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या किए, एक साल में प्रति वर्ष 12,000 और प्रति माह 1,000 किसान औसत आत्महत्या किए। इस देश का जितना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए इनके हिसाब से जिंदगी खराब जगह है,
हालांकि उसको भी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया और बेस्ट यूनिवर्सिटी माना है, लेकिन अगर ये कहते हैं वो खराब है तो उसको छोड़ देते हैं। IIM में, IIT में, एम्स में, हर जगह विद्यार्थी अपने हॉस्टलों में कमरों में पंखों से लटक रहे हैं। क्यों? 15 लाख 17 लाख। और सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, MD की डिग्री करने के लिए डॉक्टर को करीब 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये जो विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति है, और इतना रुपया खर्च करने के बाद एक इंजीनियर बनने में 10 से 15 लाख रुपया खर्च होता है। और आपका बेटा, बहुत सारे हम बुजुर्ग लोग हैं, आपका बेटा बीटेक किया होगा और जो है सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा होगा कि नौकरी कम मिलेगी। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इस प्रेशर में अब आप देखिए हमारी हालत ये हो गई है, हम इस देश का नागरिक बनने से पहले, वोटर बनने से पहले हम लोग डिफॉल्टर बन जाते हैं बैंक का, क्योंकि हमारे ऊपर एजुकेशन लोन होता है। ये जो प्रेशर है उसके चलते लोग आत्महत्या करते हैं। देश के अंदर हालात ये है कि महिलाएं, वो कोई भी शहर हो, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, चंडीगढ़ का हो, रात को 12 बजे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती है। ये देश के अंदर हालात, ये सामाजिक सुरक्षा है। और इतना 21वीं सदी हो गई, इस 21वीं सदी में भी जाति के आधार पर शोषण बंद नहीं हुआ है। आज भी घरों में, और मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, गाँव की छोड़ दीजिए, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग ट्रेट रखा जाता है। और कोई अगर हिंदू परिवार में होगा तो वो देखता होगा कि कोई मौलवी साहब के घर पे आते हैं तो उनको अलग कप में चाय दी जाती है, और जब वो चाय पी करके चले जाते हैं तो उसमें आग डाल करके उसको शुद्ध किया जाता है। ये मैं सच बता रहा हूँ, इस समाज का अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये कहिएगा कि आपको झूठ बोल रहा है, ये हकीकत है। और इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, उसकी पहली धारा कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर हम भारत के लोग हैं तो महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? इस देश के जो गरीब लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों? जो दलित हैं उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों? जो मुसलमान हैं उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों? इस देश में सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है कि आपके पास संसाधन नहीं है और आप दूसरे के यहाँ काम करने के लिए विवश हैं, और आप काम करने के लिए जाते हैं, अपना श्रम बेचने के लिए जाते हैं, अपना जो है आप शरीर और इज्जत बेचने के लिए नहीं जाते, लेकिन लोग वहाँ आपके श्रम और इज्जत को भी अपनी गिरवी समझते हैं। ये तो हकीकत समाज के अंदर है, इस पर कौन बोलेगा? इस पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो इस देश की सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, और जब हम बोलते हैं तो क्या कहता है? देशद्रोही है, ये जेडी में देशद्रोही बसता है। अगर देशद्रोही है, मान लीजिए तो देशद्रोही है, तो ये जो सारी पुलिस आई है वो हमारी बाराती है क्या? इतना सम्मान हमको पुलिस क्यों दे रही है कि SPO साहब, BDO साहब घूम करके क्यों देख करके जा रहे हैं? कि हमको कोई बताएगा देशद्रोही को सुरक्षा दी जा सकती है क्या? हमारे ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज जिस तरह से राम नहीं, जिसका द्वारा मोदी जी को भी सपोर्ट है, योगी जी को भी सपोर्ट है, खट्टर कट्टर सब उसके समर्थन में है, जब उसको न्याय सजा दे सकती है तो कन्हैया कुमार को सजा नहीं दे सकती है, उसको वापस जेल में नहीं डाल सकती है, उसके ऊपर जुर्माने नहीं हो सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है। आपके मुंह से आप मुंह उठा करके कह दिए कि देशद्रोही है तो देशद्रोही हो गया। इस देश में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, चार्जशीट फाइल होगा, दोष साबित होगा, हमने अगर कुछ किया है तो हमको भी डाल मरो फांसी, हमको भी डालो जेल में। कार्यक्रम क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि तुमको मालूम है कि हम जुमलेबाजी करने नहीं आए हैं, हम इंसानों का सच बोलने आए हैं, क्योंकि इंसानों का जो सच है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी का जो सच है, वो भी हमारा भी सच है, क्योंकि हमारा बाप नेता नहीं है, हमारी माँ महरानी नहीं है, हमारी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, हमारा बाप नहीं है। और जो समझदार लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, काले हो, गोरे हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, पुलिस हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वो मिलकर इस देश को बचाने की बात करना चाहते हैं, उस एकता को आप तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम आपको कह देते हैं कि जो जैसा होता है वो वैसा ही करता है, और जो गंदे होते हैं वो गंदगी फैलाते हैं, जिनका विचार काला होता है, जिनकी काली टोपी होती है, वही काली करतूत करते हैं, वही लोगों का मुंह काला करना चाहते हैं। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आपके इस अंधेरे के खिलाफ हमने रोशनी की मशाल जलाई है,
और आपके अन्याय के खिलाफ हमने न्याय की आवाज को बुलंद किया है और हमने आह्वान किया है इस मुल्क के तमाम लोगों को कि हम एकजुट होंगे। और हमारा जो असली सवाल है तो सवाल है शिक्षा का, रोजगार का, किसानों को उनके फसल के दाम का, मजदूरों को उनकी मजदूरी का और इस देश की तमाम जनता चाहे वो कोई भी हो उसके आत्मसम्मान का। इस लड़ाई को हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और कहते हैं अगर पूरी मजबूती से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस संघर्ष को जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद। एक बार तो शांतिपूर्वक बैठ जाइए, शांतिपूर्वक बैठ जाइए क्योंकि अशांति फैलाने का तरीका जो है इस देश के अंदर जो तथाकथित अनुभव है उन लोगों ने उठाया है।